दादा थोड़े जय जगन्नाथ कह दियंतु। जय जगन्नाथ। मैं का स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और यात्रा पे। तो आज है हमारा पुरी का तीसरा दिन और आज कुछ लेट हो गए हम लोग उठने में, 10 बज गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं कोणार्क सन टेंपल देखने। तो चलिए आप सभी को मैं सन टेंपल दिखाता हूँ और वहाँ की रहस्यमयी चीज़ों को दिखाता हूँ। जो भगवान जगन्नाथ जी है वो हमारे पग पग पर चल रहे हैं। कल तक यहाँ इतना धूप था और आज मैं इसी चीज़ को ही डर रहा था कि अगर धूप हो गया तो कोणार्क का जो यात्रा है वो कैसे होगा। लेकिन देखिए आप, वेदर इतना सुहावना है, कोई धूप नहीं है। दुनिया का सबसे जो अच्छा रास्ता मेरे लिए जो है वो जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ वही। तो यहाँ मैं हूँ देखिए और श्री जगन्नाथ कि दुनिया में जितने भी भगवान हैं, जितने भी मूर्ति हैं, वो मंदिर के अंदर ही स्थापित होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे हैं जगन्नाथ जी जो कि साल में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, बाहर रास्ते में आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो यही एक महिमा है प्रभु जगन्नाथ जी की। तो चलते हैं दादा के साथ अभी बस स्टैंड और हम लोग हैं अभी रिक्शा पे। दादा थोड़े जय जगन्नाथ कोई दंधु। जय जगन्नाथ। तो एक अलग लेवल का फीलिंग आ रहा है, कैसे दोस्त? मेरे आँखों से आँसू आ रहे हैं। आँसू आ रही है भाई, ठंड की वजह से। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा और एक चीज, रास्ते में कोई पॉल्यूशन नहीं है। हमारा पूंजीपत्र रायगढ़ तो नहीं है ये? हाँ भाई, रायगढ़ तो जाना पड़ेगा ना मेरी जान। और सिंहद्वार से कुछ 2 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट अगर आप आएंगे तो आपकी जितनी जरूरत की सामान है यहाँ, फल फ्रूट बैग वैग पूरा बाजार यहाँ लगा हुआ है। सुन लो मर सूरजमुखी रे, मर कजली आखी नजर लगी बेला। हाय रे मर सूरजमुखी रे, तोर चाहन चाखी मते फसई देला। और इस बस स्टैंड से आपको हर 10 मिनट में कोणार्क के लिए बस मिल जाएगा। और बस अभी एक लगा हुआ है, बस एक अभी लगा हुआ है और यहाँ से किराया कुछ 40 से 50 रुपए ही कुछ है कोणार्क का। दही बड़ा बहुत बहुत भर गया भाई पेट। बस में आइए, बस में लीजिएगा पैसा। क्या चीज का पैसा दूं? कहाँ से आया? हाँ? अब आए कहाँ से? मंदिर से। हाँ? टाउन बस है ना, पैदल नहीं जाएगी। इसमें कहाँ से आया मैं? अब नहीं है भाई, रिक्शे में आया हूँ। उसको लग रहा था उसके बस में मैं आया हूँ। अजीब अजीब चुटिया लोग हैं यहाँ, पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है। प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं नहीं, बस 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 हम कोणार्क जी का हट गया। हाँ बैठिए, आप उठिए, हमें बस को कष्ट पाए। नहीं ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग बैठेंगे, आप खड़ा रहो। आप खड़े हैं, हम तो खड़े होके भी जा सकते हैं। बैठिए 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 बैठिए, तू इधर आ। धन्यवाद जी। है ना, ठीक है जी, लेकिन वो उनको तो कष्ट भी होगा ना। कोई कष्ट नहीं। हाँ जी, कोई किसी को भेजना है, कोई प्रॉब्लम में आ गया तो मेरे को फोन करना। ये तो हमेशा यहाँ रहते हैं ना। आपका नंबर आपको याद है? हाँ, एक बार आप इसमें नंबर बता दीजिए, लोग जान जाएंगे। एक बार आपका नंबर बता दीजिए। 8018952887। ये नंबर से आप लोग कांटेक्ट कीजिए और आके यहाँ मठ में आप लोग आराम से स्टे कर सकते हैं, जितना दिन रहना चाहें। कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और कोणार्क जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, यहाँ खाने पीने की है, नारियल पानी,
सारा आपको यहाँ दुकान मिल जाएगा, तो कोई ऐसे कोई असुविधा आपको है नहीं यहाँ आने में। जय जगन्नाथ। चलो ना देखिबा कौन कौन देखिबा पाई मिलूची अभी। और ये जो कोणार्क मंदिर है ये 1200 ईस्वी में बना था, और इसके इसको बनाने वाले जो थे वो नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने ये मंदिर बनाया है। और प्राचीन काल में कहा जाता था इस मंदिर में एक बहुत बड़ा चुंबक था, और उस चुंबक से पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर जो था वो टिका हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ आने के बाद उन्होंने वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस कारण से इस मंदिर का जो पत्थर है अभी वो गिर रहा है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है मंदिर। और बहुत सारा जो जगह है वो डिस्ट्रॉय हो भी चुका है, आप लोगों में चलिए दिखाऊंगा वो चीज़। पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वहाँ आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, लेकिन एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ आप चप्पल पहन के आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ भी किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, और यहाँ जो आपको एंट्री का जो प्राइस है वो 40 रुपये रखा गया है, 40 रुपये आप दीजिए, एक आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन के बाद फिर आपको आपकी एंट्री जो होगी वो सूर्य मंदिर के अंदर हो जाएगी। सर इसको नीचे रखने नहीं, हाथ में रखेंगे, नीचे रखेंगे तो आपका फैन लग जाएगा। मतलब इसको नीचे नहीं रखना है? ओके, स्टैंड ना। ओके, एक ही इसका है। चलो जो सूर्य प्रकाश की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो है यहाँ, ये है हमारा पूर्व। पूर्व से जैसे ही सनलाइट आएगा वो ये नाट्य मंदिर से होते हुए सीधे जाएगा मंदिर के ये गर्भगृह, ये गर्भगृह यहाँ मंदिर पे जाएगा, और यहाँ एक लाइटिंग होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। जो यहाँ जो सूर्य देवता का जो मूर्ति था, उस मूर्ति को और वो चुंबक, वो दोनों एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। वो कैसे आपको मैं बताता हूँ कि जो चुंबक है वो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, और जो सूर्य का जो स्टैच्यू रहेगा वो हवे में लटकता रहेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। और जो पहला सूर्य का किरण है वो जो वो स्टैच्यू है सूर्य देवता का, उसके चरणों को पहले स्पर्श करेगी, उसके बाद पूरे भारत में फैलेगी, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट था। और दूसरा चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप शाम के टाइम में आइए, यहाँ एक लाइट शो होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है वो चीज़। उसके भी प्राइस कुछ मैक्सिमम 100 से कमी होंगे। एक बार आप लाइट शो एक बार देखिए, उसमें आप जो मंदिर के जो हिस्ट्री हैं, जो बारीकियाँ हैं, वो आपको पता चलेगा, और बहुत अच्छे से आप मंदिर को जानेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब में जलंधर से आया हूँ, रेलवे में हम लोग सर्विस करते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक रेलवे की पूरी टीम मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ऑल इंडिया से रेलवे की टीम आई हुई है हमारी, एजीएम के तहत हम लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा, अपनी सरकार के सामने हमने फैसला किया है, डिमांडे रखने के लिए आए हैं। कुछ देर चलने के बाद ऑटो मिल गया, ऑटो से हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रभागा बीच। ये है अकेले यात्रा करने का फायदा, आप जब भी यात्रा कर रहे हैं आप अकेले कभी भी नहीं होंगे, मेरे इतने सारे दोस्त यहाँ बन गए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब हैं महाराष्ट्र मुंबई से, और ये सब काम करते हैं इंडियन रेलवेज के लिए। अधिवेशन के लिए आए थे, हमारा वार्षिक अधिवेशन होता है हर साल जी। तो हर साल अलग अलग शहरों में होता है, तो इस बार हमको इधर का चांस मिला था पुरी का, तो हमने पुरी में पूरा जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया, कोणार्क टेंपल देखा। शाहजान सैयद भैया, मुंबई सीएसटी,
मुंबई CST और सेंट्रल और कोणार्क में मुझे टिकट नहीं मिल रहा था मेरे पास, एक्चुअली वो चिल्लर नहीं था, भाई ने मेरा हेल्प किया था, तभी से जान परिचय इनसे हो गया है। तो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हाँ और हाँ, काकटोपुरा जो मंगला माता मंदिर है, आज जो हम कवर नहीं कर पाए वो भी मैं कल कवर करूँगा। तो कल अपन सुबह से ही निकल जाएंगे, सीधा मंगला मंदिर जाएंगे